हाँ मेरे इसके 30 रुपए वापसी कर दे दो, तो जल्दी निकाले है ना। 30 रुपए भैया, 2 दर्जन अंगूर दे दो, क्यों ये भी तो गिनती, ये भी तो गिनती करके दे दो, 60 रुपए के 12। हेलो, हैप्पी बर्थडे टू यू। किसका बर्थडे ये नहीं पता, लेकिन बर्थडे। फोन निकाल लेते हैं। ओ भाई मोए मोए कहाँ गया, मोए मोए भाई, मोए मोए में गाइड हुआ, पर पर्सन कितने पैसे लग रहे हैं, बाइक के कितने लग रहे हैं, गाइड की पेट्रोल के, खाना पीना ज्यादा मत लाना, इधर फंस जाओगे यहाँ से। नहीं जा मम्मी। ओहो वो आ गया गेट नजर भूटान का, फाइनली वी आर एंटरिंग भूटान। हॉर्न नहीं मार सकते ना, मार सकते हैं, हाँ कितना बुद्धू बनाते हैं हर बंदे हमें। ये देखो भाई होटल दिखने में ही अलग है, और होटल का नाम पता क्या है, क्वीन जंग। भूटान का डॉगी है ये। आज 11 बजे एग्जैक्ट हमारा गाना आ रहा है। अबे यार क्या दिखा रहे हो मेरी टांग में, सेक्सी लेग्स। सेक्सी लेग्स तो ठीक है, ये क्या है, ये जो फैला हुआ है कर रहे हैं कब, गालियां देते हैं क्यों आ रहे थे, 12:30 बताता हूं अभी तक। 12:30 बज रहे हैं भाई, 12:30 मैं तैयार। ये देखो जूता, बस जूता पहनना, ये है बंदा जो BMW की चप्पल पहन के बैठा है, पूरा तैयार बैठा है। जब कोई बंदा नहाएगा नहीं तो जल्दी रेडी होगा ना भाई। ये बात तो सही है, ये नहाया लग भी रहा शक्ल से, और ये थोड़े थोड़े लग रहे हैं, मुंह हाथ तो धोया होगा आपने। तो ये रहा हमारा रूम, और ये हमारा सारा चार्जिंग सेटअप, यहीं पर हम वीडियो एडिट कर रहे थे, खन्ना वॉशरूम में अभी तक भारी नहीं आया। आजा भाई इधर रूम है, इधर भूल भुलैया, ये घर भूल भुलैया। तो भाई हमें नहीं पता यहाँ किसका पर्स पड़ा हुआ है, ये और इसके अंदर थोड़े बहुत पैसे थे जो कि लुटेरों के द्वारा लूट लिए गए हैं। काय भाई दिखाओ, इसको थोड़े छुट्टे मिले हैं, मोटा बंडल इसको मिल गया, और मेरे को ज्यादा नहीं मिले, सिर्फ यही मिला है भाई। लो भाई, तेरी किस्मत में नहीं है कुछ, तू लेट आया भाई। क्या मिला, क्या ओ भाई कार्ड, पैसा ही पैसा होगा तेरे पास। और ये टैप से ना 2000 रुपए स्वाइप हो जाता, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं गाइस? भाई मेरे पास 1000 है, आई हैव 2000, लेकिन ये है किसका पर्स ये नहीं पता। इसका भी अच्छा लग रहा है, ओमकार खन्ना है, खन्ना का है क्या, शक्ल बनी तो ये ये शक्ल तो इस पर अच्छी बनी है, लेकिन इसकी तो टट्टी थी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, दिन नया लेकिन बंदे सारे के सारे पुराने, जो कि यहाँ फैले हुए। ये पीछे से आमिर निकला, ये साहिबा इस रूम से आ गई, यहाँ पर जुराबे पहन रहा है अभी तक, पता नहीं कब रेडी होंगे, कब हम यहाँ से निकलेंगे। लेकिन आज का जो हमारा प्लान है, आज हम निकल रहे हैं गुवाहाटी से, आज हम भूटान एंटर कर जाएंगे। पिछले 3 दिन से शोर मचा रहे भूटान जा रहे, लेकिन आज फाइनली जा रहे। लेट क्यों हो गए, क्योंकि भाई भूटान जाने के लिए या तो आप सिलीगुड़ी से एंटर करोगे या आप गुवाहाटी से एंटर करोगे। सिलीगुड़ी से हमने इसलिए एंटर नहीं करा क्योंकि अपने को यहाँ पर विकास की शादी अटेंड करनी थी, शादी अटेंड कर ली है। आज हम यहाँ से जाएंगे 60-70 किलोमीटर दूर, और वहाँ से बॉर्डर में घुस जाएंगे, और बॉर्डर का नाम है समद्रूप कुछ ऐसा ही यार, एक बार चेक करके दोबारा बताता हूँ क्या नाम है बॉर्डर का। जो आपने बोला वही है, सेम ना, यही है। इसको बताओगे बॉर्डर का नाम क्या भाई, सिंचुंग क्या है। अरे बाप रे बाप, नीचे तो बहुत सारे बंदे, बांधो ना सामान, क्यों नहीं बांध रहे बाइक। तो भाई सारे अपने अपने बाइक्स पे सामान बांध रहे हैं, और ये परेशान लग रहा है थोड़ा, क्या हुआ तेरे को भाई, चोरी हो गई है। कहाँ चोरी हो गई है, मेरे वॉलेट में पैसे थे, पैसे तेरे वॉलेट में पैसे थे, आपका दिल चोरी हो गया, दिल तो वही है, इसके वॉलेट में पैसे थे, ये ऐसा कह रहा है। मजाक क्यों करते हो यार, तेरे वॉलेट में पैसे थे, बहुत पैसे थे तेरे, दिखा कितने थे, दिखा भाई कितने थे, वॉलेट दिखाओ, वॉलेट दिखा, अब मैंने पैक कर दिया, देखा इतने वॉलेट, ये वॉलेट इसके अंदर रखता तो इसके वॉलेट में पैसे कैसे हो सकते, और हम कैसे चुरा सकते। वॉलेट अभी बाहर ही तो था रूम के, कहां बाहर था, रूम के बाहर था ना, रूम के बाहर था, लेकिन हमने तो रूम के अंदर से चुराया, ठीक है चलो, चुराया ले भाई, मैंने चुराया 1000 रुपए, 1000 रुपए नहीं थे, बहुत सारे थे उसमें, भगवान ही कसम भाई, ये ले भाई, ये ले, ये थे मेरे पास 1000 रुपए। सुबह सुबह सब पागल हो गए भाई। हाँ मेरे इसके 30 रुपए वापसी कर दे, जल्दी निकाले ना, 30 रुपए पार क्यों करे,
इन्होंने दिए मुझे क्या पता तेरे। ले भाई ये 30 रुपए ये देख रहे हो। हाँ उसको गिनती ऐसी आती है ना भाई, तुरंत क्या है बस ठीक है गाइस, अभी रिकवरी कम हुई है, अब हो गए पूरे पैसे बग यहाँ से। हमारी राइड का सबसे जरूरी काम अपनी बाइक की चेन को ठीक रखना, वैसे तो पूरी बाइक को ही ठीक रखना लेकिन चेन सबसे ज़्यादा जरूरी है, ये दिक्कत दे सकती है। लो भाई फाइनली सारी बाइक्स बाहर निकाल ली हैं और वहाँ चल रहा है फोटो सेशन। साहिबा की बाइक भाई सबको पसंद आ रही है, सबको एक नंबर। और जाम रुके थे ना भाई, बहुत ही बढ़िया विला था, अच्छा बना हुआ था और रेट भी एकदम कहते ना जेब फ्रेंडली वैसे थे। चले भाई चले। तो भाई बाबा जी से प्रे करते हैं अच्छे से जाएं, अच्छे से आएं। और हमने बॉर्डर की लोकेशन लगाई है जो कि दिखा रहा है 2 घंटे 45 मिनट 113 किलोमीटर, 4 बजे हम बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे। और इतना लेट क्यों निकलते हैं, लेट निकलने का रीज़न रस्ते बताऊंगा, एक बारी हाईवे पकड़ लें। चलो भाई चलो, लेट्स गो, यूटर्न मारना यूटर्न। तो हम लोग गुवाहाटी तो आए थे लेकिन गुवाहाटी में अपना ज़्यादा स्टे नहीं था, सिर्फ भाई की मैरिज अटेंड करने के लिए आए थे, अटेंड कर लिया, अभी वापसी निकल रहे हैं। और हो सकता है वापसी गुवाहाटी ना आए, हो सकता है वापसी आए, क्योंकि हम सोच रहे हैं यहाँ वाले बॉर्डर से एंटर करके सिलीगुड़ी वाले बॉर्डर से निकलेंगे, पूरा हम एक सर्कल करने वाले भूटान के अंदर। वो जैसे जैसे ट्रैवल करेंगे ना, वहाँ के नाम थोड़े मुश्किल हैं जो कि हमें अभी बोलने नहीं आते या समझ नहीं आते हैं, वहाँ जाएंगे जैसे जैसे घूमेंगे ना वैसे वैसे आपको बताते रहेंगे। अभी हम यहाँ पहुँच गए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है आज से, जो मज़ा आने वाला ना पिछले 3 दिन में जो मज़ा आया वो तो आया, लेकिन आज से जो मज़ा आने वाला वो नेक्स्ट लेवल आने वाला, नेक्स्ट लेवल भाई। थैंक्स फॉर विजिटिंग, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया इस बारी लेकिन फिर भी ये थैंक्स कह रहे हैं तो हम इनको बोलते हैं वेलकम। यहाँ से जाएंगे अपन राइट, अपने को कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। बार बार ना ये वॉल्यूम कम वाला बटन दबता रहता है, ये देखो ध्यान से देखोगे ना डिस्प्ले में अपने आप ही वॉल्यूम कम होती जा रही है, तो इसीलिए मैंने ब्रेक मारी, कोई छोटा सा पत्थर मिल जाए ना अटकाने के लिए। ये पत्थर से शायद काम हो सकता है। पता नहीं कामयाब होगा नहीं होगा, चेक कर लेते हैं भाई। लो भाई काम तो कर गया, बस अब अपने को ध्यान रखना पड़ेगा जब मैं फ़ोन उतारूंगा ये पत्थर संभाल के रखना पड़ेगा, नहीं तो बार बार नए नए पत्थर ढूंढने पड़ेंगे। चल लेट्स गो। सुंदर गुरुद्वारा बना हुआ है ना रोड पे, तो समीरन भी अपने को आगे तक ड्रॉप करने जा रहा है। और ये 12:50 भी क्या सुंदर लग रही है, इसका रैप भी अच्छा लग रहा है, एक नंबर लग रहा है भाई, बढ़िया बढ़िया बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। 12:50 यार बाइक ही ऐसी है, मतलब BMW के जो हाई एंड बाइक है ना, 1200 हो गई 12:50 हो गई, इस पर आप कोई भी कारीगरी करो, रैप कराओ, लाइटें लगवाओ, इतनी सुंदर लगने लग जाती है ना, मतलब ये बाइक ऐसे अपने दिल के इतने करीब है ना रुद्रा, पता नहीं कहाँ कहाँ की राइड कर दी और कहाँ कहाँ की राइड हम इस पर करने वाले हैं। भोले बाबा भी हैं, साईं बाबा भी हैं, कृष्ण जी भी हैं, गौ माता भी है, सही है, सबकी जय। वो बाइक देख के हैरान हो रहे हैं एकदम, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, मैं उनको देख के हैरान हो रहा हूँ, मेरे को देख के हैरान हो रहे हैं। अभी टेम्परेचर बताऊँ आपको 31 डिग्री हो रहा है भाई, तगड़ी वाली गर्मी हो रही है, इनको मज़ा आ रहा होगा, कोई राइडिंग गियर नहीं पहने हुए आराम से खुली खुली हवा लेते हुए जा रहे हैं। और आपको एक चीज़ और बताऊं, गुवाहाटी के ना चारों तरफ पहाड़ है लेकिन फिर भी गुवाहाटी में ठंड नहीं होती, चारों तरफ गुवाहाटी पहाड़ों में नहीं है लेकिन गुवाहाटी के आसपास पहाड़ ही पहाड़ है, फिर भी गुवाहाटी में इतनी गर्मी रहती है। आई थिंक ये जो एरिया है ना ये बाईपास है, जैसे दिल्ली का करनाल है ना बाईपास, वैसे बाईपास देख रहे हो, बस से ही बस से है, यहाँ से आप हाईवे पर चढ़ जाते हो, बोले ये भी हाईवे था जिससे हम आए हैं, खुली रोड थी लेकिन ये प्रॉपर हाईवे बोला जाता है कि बाईपास क्रॉस करके हम हाईवे पे चढ़ गए हैं। सिलीगुड़ी 465 गुवाहाटी सिटी के लिए यहाँ से निकल जाओ नीचे वाली रोड से। आई थिंक समीरन हमें यहाँ से बाय बोलेगा भाई, यहाँ से कर रहे हो, मैं पकड़ जा रहा हूँ। और भाई वो आ रहा है,
अच्छा आ रहा है। ये खड़ी है हमारी बाइक्स। कभी आपने हेलमेट में बंदों को फ्रूट खरीदते हुए देखा? ये देखो तीन तीन बंदे यहाँ खड़े हैं, फ्रूट ले रहे हैं हेलमेट पहन के। क्या ले रहे भाई, क्या ले रहे हो? संतरे। संतरे तो ठीक है, रखने की जगह है तुम्हारे पास? ओ भाई तेरे पास जगह है आमिर, रखने की जगह है? मैंने तेरे को बोला कल पानी की बोतल रख ले, तब तो तूने मना कर दिया, जगह नहीं है। सारी चीजें आप ही की रखी गई है, मेरा मेरे कपड़े तुम्हारे बैग में, तुम्हारा कुछ नहीं है। ये देखो देखो, इसको झूठ बोलता तो ये यो यो यो, इसकी जबान लड़खड़ा जाती है। कुछ यार संतरे ले लेंगे सुबह। ओ खा के देखो मत बोलो, जस खा जाएगा, पैसे नहीं देगा, खा के देखो मत बोलो, अच्छी रुपया रखेगा। हमारे बीच आ चुके कंगन भैया, मिनी का वेट कर रहे थे। भाभी को भी लेके जा रहे हो? हाँ। कहाँ तक? बॉर्डर तक चलेंगे। बॉर्डर तक? हाँ। नहीं जा रहे, नहीं जा रहे। एक चीज बताया करो, तू कह रहा नहीं जा रहा, ये कह रहा जा रहा हूँ, अपने आप डिसाइड कर लो, मेरे को बाद में बताना। इसने सपना देख लिया, इसका सपना तोड़ूंगा मैं। गुवाहाटी बॉर्डर पे खड़े हैं, ये रहा बॉर्डर, और यहीं खड़े होकर संतरे खा रहे हैं। शक्लें देख लो इनकी राइड करने वालों की। इसको देखो मेन पूरी थाली लेके बैठा। तुम गोवा चलोगे राइड मेरे साथ? कब? कभी भी। हाँ। कितने दिन में पहुंचोगे गोवा? दो महीने में। दो दिन में? हम तो एक दिन में पहुंच गए। दो दिन में? इनकी शक्ल लग रही है दो दिन में पहुंचने वाली। लेकिन जो भी को संतरे टेस्टी है, 60 रुपए के 12, 60 रुपए के दर्जन, या किलो किलो का हिसाब नहीं है, गिनती में मिलते हैं 60 रुपए के 12। ये देखना बात है, अंगूर उठा उठा के खा रहा भाई ये। भैया दो दर्जन अंगूर दे दो, क्यों ये भी तो गिनती, ये भी तो गिनती करके दे दो, 60 रुपए के 12 अंगूर ये दे दो, 8 दे दो 8। अब ये चीटिंग कर रहे हो आप, 8 पीस दे दो मेरे को निकाल के। ये नहीं, 8 पीस नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा ये? किलो किलो किलो। ओ ये किलो, तो ये क्यों नहीं किलो? ये मौसमी है, ये भी किलो है, ये भी किलो है, मौसमी है, मीठे। चलो दे दो दे दो, आधा किलो। हेलो, हैप्पी बर्थडे। भाई जैसे अंगूर धोए ना थैली के अंदर, तेरा थोड़ी है थैली में तेरे ना, सबने अपने अपने गुच्छे पार कर दिए। वो देख आपका अंगूर है, ये मेरे अंगूर है, बहुत सारे निकाल के खा रहे हो। अपना अंगूर, अपना अंगूर खा रहा हूँ, तेरे को भी खाना मेरा अंगूर। ले, ले। तू मेरा अंगूर भी खा, आमिर का भी खा, ये भी खा रहा आमिर का अंगूर। यहीं पर हमने फ्रूट चाट बनवा ली है। हेलो हेलो भैया, हेलो छोटो को, हेलो। देखो अलग अलग फ्रूट तो खा लिया, पहले संतरा खा लिया, अब ये खा लिया, अब ये खा लेंगे, पेट में हिल लेंगे, चाट अपने आप हो गई। भैया मसाला डालोगे क्या इस पे? आमिर भाई को मसाला डोका नहीं बोला, ले हो गया। आरो गुरु गुरु आरो गुरु गुरु ऐसे ऐसे तो कई जन मानो। अच्छा ये ऐसे ही दे रहे हैं सारे, काट काट के तो छोटे छोटे पीस। 8 10 10 पीस लाओ। ये इतना तरबूज लाल कैसे है एक बार ही बताना है, बता दो कि मान जाऊंगा, जल्दी बताना, लेकिन 5 सेकंड का टाइम है। 1 2 3 4 5 एंड मैं बताता हूँ। भैया की शक्ल देखो, भैया ने मारी पिचकारी। बलम पिचकारी जो तूने इस पे मारी। मैं आज की पैदा हुई थोड़ी हूँ। मेरा तरबूज लाल है। बाय बाय, ये यही रुक रहा है, लेकिन इसका भाई हमारे साथ आगे बॉर्डर तक जा रहा है। अब जहाँ तक जाएगा उसका मन है, वहाँ से वापसी आ जाएगा, देख लेंगे जैसा भी होगा। और पत्थर लगा दे जरा इसमें, बस ये पत्थर का ध्यान रखना पड़ेगा अपने को पूरी राइड पे ना। अभी 10 दिन की राइड हमारी और है, पूरी राइड पे पत्थर नजर आएगा आपको। ये अब हमारा दोस्त है ये पत्थर ना, इसका नाम रखना पड़ेगा पत्थर आ कुछ। चलो चलते चलते सोचते क्या नाम रखे इस पत्थर का। ये सोचा था आगे ढाबे पे रुक के कुछ खाएंगे हैवी, लेकिन फ्रूट इतने सारे खा लिए ना, पेट एकदम फुल हो गया। अब सीधा भाई भूटान एंटर करके खाएंगे, जो भी खाएंगे। उम्मीद तो है अगर आमिर भाई को दोबारा भूख ना लग जाए तो। रंगिया नाम की भी जगह है, हाजो भी जगह है, सिलीगुड़ी तेजपुर तो सुना हुआ मैंने। रोड पे घूमो ना। अच्छा हम लोग रंगिया होके ही जा रहे हैं? ओके हम लोग रंगिया होके ही जाएंगे, भूटान बॉर्डर जो एंटर करेंगे ना हम। रोड पे घूमते रहो ना, अलग अलग तरीके के नाम सुनने को मिलते हैं, जैसे कभी सुना ही ना हो। अगर आपने इससे पिछली की पिछली वीडियो देखी होगी, हम उस ब्रिज से आए थे रात को 1 बजे ना, और यहाँ से जा रहे हैं। तो अभी अपने को एक भाई और ज्वाइन करने वाला, ब्रिज खत्म होते ही वो नजर आएगा, Z900 लेकर आया। आजो आजो, बढ़िया लगती है Z900 भी ना, नेकेड बाइक मेरे को बहुत सही लगती है यार, सुपर बाइक में ना। नेकेड बाइक ज़्यादा कंफर्टेबल होती है फेयरिंग वाली से ना। अगर मैं Z1000 और S1000RR को कंपेयर करूँ, या किसी बाइक को कंपेयर करूँ, Z1000 ज़्यादा कंफर्टेबल है, उसकी हैंडलिंग मेरे को ऐसा लगता है कि ज़्यादा ईजी होती है। सही है भाई, भाई ने साइलेंट वाला एग्जॉस्ट लगाया हुआ है, लेकिन मज़ा आ रहा है। इतने सारे राइडर, 1 2 3 समीरन चला गया अभी बाइक, कोई और चला रहा है।
चार पाँच छः सात आठ, आठ राइडर जा रहे हैं, तीन वहाँ से यू टर्न लेके वापसी आ जाएंगे बॉर्डर से और पाँच भूटान एंटर कर जाएंगे। बताओ कितना मज़ा आ रहा है इतने सारे राइडर के साथ राइड करने का, ना अलग ही मज़ा आता है, अलग ही फील आता है। और हमने इस पत्थर का नाम रख दिया भाई, इस पत्थर का नाम है आज से मोए मोए, मोए मोए को हमने लगा दिया है, मोए मोए आज से 10 दिन तक हमारा फ़ोन संभालेगा यहीं पर। और मोए मोए ठीक हो? ठीक है भाई, बढ़िया बढ़िया। तो अभी कंकन भाई का भी इंटरकॉम हमसे कनेक्ट है, कंकन भाई बता रहे जो हमारी बाइक लोड करी थी ना पिछली बारी R1 10R, वो यहीं पर लोड करी थी, देख रहे हो ट्रक खड़े हुए हैं, एग्जैक्ट यहीं पर लोड करी थी वो। ये देखो ट्रेन कितने पास से जा रही है और कितनी बढ़िया लग रही है ना, लाल डब्बे नीले डब्बे, लाल डब्बे नीले डब्बे। ट्रेन में ट्रैवल करेंगे, जल्दी करेंगे भाई, कब से मैं हर बार जब भी राइड कर रहा होता हूँ ना मैं हर बार बोलता हूँ जल्दी ट्रेन पे प्लान करेंगे, लेकिन हर बार रह जाता है, इस बार ही करेंगे पक्का। खुश तो था भाईटा चारी, एक तो ऐसे ऐसे नाम होते हैं ना भाई, खुद ही रोक के पढ़ लेना यार वीडियो, ऐसे अजीब अजीब से नाम और इतनी स्पीड में निकलते हैं ना, जब तक पढ़ना होता तब तक पार हो जाते हैं। मेरे को तो पेट्रोल पंप पे जाने की जगह ही दिख रही है, दिख रही आराम से आना, पीछे गाड़ियाँ आ रही है ना देख के सारे। तो आमिर भाई की बाइक में पेट्रोल ख़त्म है, उन्होंने किया इशारा, और मेरी बाइक तो दिखा रही है अभी भी 341 किलोमीटर, तो मैं तो नहीं डलवा रहा, ये डलवा लूँ भूटान में, महंगा ना हो ना पेट्रोल, भूटान में सस्ता पेट्रोल, ओह फिर तो नहीं डलवा रहा मैं, तो मैं तो वहीं डलवाऊँगा अब सस्ता हो या महंगा। कंकन भाई ने वैसे ही बता दिया भूटान में सस्ता है, ओए भूटान में सस्ता है पेट्रोल, बहुत सस्ता है वहाँ, 40 रुपये लीटर। मेरी पर्सनल फेवरेट है Z800, Z900, Z1000, ये सारी ना नेकेड बाइक। आगे बाइक जा रही है, उस पर बर्तन ही बर्तन टंगे हैं, बाल्टी है, पतीला है, छोटे वाला पतीला है और बहुत ही बड़े वाला पतीला भी है, अभी साइड से दिखाता हूँ आपको बाइक, पूरी बाइक में पतीले हैं भाई, कढ़ाई भी आगे, कढ़ाई भी टंगी हुई है आगे। अरे भैया कहाँ जा रहे हो, बाइक दिखानी थी आपकी चले ही गए, उनको पता लग गया मेरे पे व्लॉग बना रहा है, मैं तुझे कंटेंट नहीं देने वाला, मैं जा रहा हूँ। तक ऑफ रोड पैच है, ये पुल बन रहा है ना, और ये जब हम पहले भी आए थे तब भी बन रहा था, और मेरे को लग रहा है मेरे बाद मेरे बच्चे या मेरे पोते वोते राइड कर रहे होंगे तब भी ये बन ही रहा होगा, कुछ पुल तो ऐसे होते हैं जो बनते ही रहते हैं। नहीं बन जाएगा, ओके कंकन भाई बता रहे हैं 2-4 साल में कंप्लीट हो जाएगा ये काम। और लॉर्ड ऑल्टो को हमारा नमस्कार प्रणाम, हाथ ऊपर उठा के बोलेंगे सारे, लॉर्ड ऑल्टो क्या भाई रिम लगा रखे हैं, एकदम बढ़िया लग रहे हैं, अपनी लॉर्ड ऑल्टो की याद आ रही है मेरे को ना। लो भाई यहाँ रोकने का इशारा, क्योंकि बॉर्डर का टाइमिंग दिखा रहा है हम लोग 4 बजे पहुँच जाएंगे, तो हमारे पास आधा घंटा आज एक्स्ट्रा है, इसलिए हम लेट निकले, मैं आपको ये बता रहा था, लेट निकलने का मेन रीज़न यही है क्योंकि आज अपने को बॉर्डर पे स्टे करना है, आज है संडे तो डॉक्यूमेंट्स का वहाँ पर कुछ भी काम नहीं होने वाला, बॉर्डर पे स्टे करेंगे, कल सुबह सुबह 6-7 बजे डॉक्यूमेंट बनवाएंगे फिर आगे जाएंगे। चलो फ़ोन निकाल लेते हैं। ओ भाई मोए मोए कहाँ गया, मोए मोए भाई मोए मोए क्या हुआ, यहाँ पर मोए मोए था, ए मेरी डेटा केबल दे, मोए मोए चला गया यार, गिर गया मोए मोए ना, मेरे को लग रहा है थोड़ी स्पीड में चलाई थी, चलो दूसरा मोए मोए ढूंढ लेंगे और क्या। अभी सब के सब वहाँ खड़े हैं ना, जैसे ही जाने का टाइम आएगा ना सबको खाना याद आ जाएगा, इसको भी देख लो। आमिर भाई मैंने अपना ऑर्डर कर दिया, क्या खाना ऑर्डर कर दो, ज़्यादा टाइम तुम्हें याद आ जाएगा, आ जाओ फटाफट आ जाओ ऑर्डर कर दो। हर्ष कंगन भाई खुद का करो ऑर्डर, आपने जब से आमिर भाई को अडॉप्ट कर लिया ना तब से सारा काम हमें ही करना पड़ता है इनका। थैंक यू भैया, क्या क्या इसके अंदर, चावल चिकन आलू की सब्जी और आलू गोभी की सब्जी, आलू की सब्जी आलू गोभी की सब्जी है ना, और ये दाल, थैंक यू। सबके सब अंदर बैठ के खा रहे हैं और मैं बाहर बैठ के खा रहा हूँ, हाँ ध्यान रखना ये खन्ना जेब में डाल लेगा, इस बंदे से बच के रहना, ये सौंफ अभी जेब में डालना था आमिर भाई ने बड़ी मुश्किल से बचाई है, और यहाँ बैठ के इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि सामने का नज़ारा देखो भाई, सारी बाइक के सामने ये बच्चे खन्ना हट जाए ना, हाँ दाग आ रहा था दाग कैमरे के बीच में ना सर, भाई यार दाल तो पानी है, दाल पानी नहीं है इसके अंदर, दाल है भाई यहाँ पर ऐसे ही मिलता है, ये जो ज़्यादा नखरे करते हैं ना उनको कुछ नहीं नसीब नहीं होगा, भाग जाए यहाँ से भाई आप ही ने बाबा इसको जमीन इसको ना इसको तो आप ही ने सिर्फ बंजर जमीन, ओए मेरे बेटे पे हंस रहे साले, चम्मच मारूंगा ओ भाई बेटे मार इसको,
ये दाल देख रहा है। मैंने आज से दो दिन पहले ना आमिर को अडॉप्ट कर लिया। अब आमिर को कोई फालतू बोलता है, मेरे को कोई फालतू बोलता है, मिल के मारते हैं। बेटा जैसे ही कुछ बोले, क्या करना तुमने, क्या करना, फाड़ देना इसको बस। मारूंगा ना इतना। अबे ओ है, मारी बार, मार मार मची दूंगा खाली। मेरी दाल गिर रही है, साल को मारू। मेरे को ना ऐसी चीजें दिखाने में बहुत मजा आता है जो बिल्कुल देखने में अलग होती है ना, जो आपने कभी देखी ना हो। यहाँ का वॉशरूम दिखाता हूँ एक बारी। ये देखो, ये यहाँ का वॉशरूम है, लेकिन दो ईंटें लगी हुई है खाली। करना का है ये, थोड़ा दुविधा वाला सीन है, समझ नहीं आया। कुछ तो अलग है इसमें। भैया से एक बार पूछ के आता हूँ, तीनों वॉशरूम ही ऐसे है कि भाई करना का है। अभी ना मेरे को यार बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, मेरा मोए मोए खो गया है। अब दूसरा मोए मोए ढूंढना है मेरे को यार, पता नहीं रास्ते में अपने आप ही गिर गया। पता है इसके नीचे ना मोए मोए टिक नहीं पा रहा है, वो फिसल के गिर जाता है बार बार। बाकी हम लोग निकल गए दोबारा से अपनी मंजिल की ओर। एक घंटा 10 मिनट दिखा रहा है, 50 किलोमीटर, 5:15 बजे हम लोग बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे। ये मैंने बॉर्डर ही लगाया हुआ है, बॉर्डर क्रॉस करते ही 2-4 किलोमीटर के अंदर अंदर रुक जाएंगे। हमें नहीं पता, हमने अपना वहाँ पर गाइड किया हुआ है जो कि हमारे लिए वहाँ पर वेट कर रहे हैं, वेट नहीं कर रहे बेसिकली, उनको 5 बजे का टाइम दिया था हमने और 5:15 तक हम भी पहुँच जाएंगे। तो सारी डिटेल आपको वहाँ जाके बताऊंगा, कितने में गाइड हुआ, पर पर्सन कितने पैसे लग रहे हैं, बाइक के कितने लग रहे हैं, गाइड की बाइक के, गाइड की पेट्रोल के, खाना पीना रहना, A to Z डिटेल बताऊंगा सारी। वीडियो बिना स्किप करे ध्यान से देखना बस। तो यहाँ से हमें बता रहा है लेफ्ट, ये मेन हाईवे था जो कि हमने छोड़ दिया है। रंगिया टाउन होते हुए जाएंगे, मेरे ख्याल से फाटक क्रॉस करके आगे लेफ्ट आएगा, वहाँ से लेफ्ट लेना है अपन को ना। हाँ ये वाला लेफ्ट नहीं है लेकिन आगे होगा। हाँ ये भाई ये वाला लेफ्ट दिखा रहा है गूगल मैप, कहीं ना कहीं निकलेगा, आ जाओ। बताओ हाईवे से कहाँ घुसा है हमें, गली में। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आगे से दिखा रहा, दोबारा लेफ्ट होके राइट हो जाएंगे, मेन रोड पे ले आएगा ये। अब हम ट्रेन की पटरी के बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं, देखो ये रही पटरी, कोई ट्रेन आएगी तो पता लगेगा। ओए लेफ्ट साइड देखना, ट्रेन का डब्बा रखा हुआ है। आ जाए कोई ट्रेन कितना बढ़िया लगेगा ना। देखो ये रही पटरी, ये सामने, यहाँ से ट्रेन निकल रही है, यहाँ से हम निकल रहे हैं, लेकिन फाटक खुला हुआ है सामने, इसका मतलब कोई ट्रेन नहीं आ रही दूर दूर तक। ये फाटक क्रॉस करके अपने को उस साइड जाना है। नो ट्रेन। तो ये हम एक टाउन से निकल रहे हैं जिसका नाम है रंगिया। अगर आपको ये वाले बॉर्डर पे जाना भूटान वाले, तो यहाँ से निकलना ही निकलना पड़ेगा। और मैंने सुना इसको क्रॉस करते ही बहुत बढ़िया रोड मिलने वाली है अपने को, देखते हैं आके जो दिखेगा वही आपको दिखाएंगे। अभी सूर्य देवता का जाने में टाइम है, जब तक हम बॉर्डर क्रॉस नहीं करते वो हैं, लेकिन सुंदर लग रहे हैं। मौसम ठंडा ठंडा हो ना, छाया वाला तो बढ़िया लगता है। हालांकि टेम्परेचर 28 डिग्री है, लेकिन मौसम थोड़ा ठंडा है। ठंडा मीन्स कि वैसे गर्मी का प्रकोप नहीं है, हवा चल रही है बढ़िया। ये देखो राइट साइड में ये वाले पेड़ देख रहे हो, कोई पत्ती वत्ती नहीं है, फूल ही फूल है बीच बीच में ना। ये देखो और भी है, बड़े सारे पेड़ हैं यहाँ पर ऐसे ना, रेड कलर के फूल ही फूल हैं। ये भी है, ये भी है, ये रहा, इसके बाद ये रहा। क्या सही लग रहा है ना, आसपास पूरी ग्रीनरी ग्रीनरी, बीच में कहीं मंदिर आ रहा है, देखो कुछ अलग सा ही मंदिर बना हुआ है, छोटे छोटे घर आ रहे हैं, गांव आ रहे हैं, ये देखो कितना सुंदर सा घर बना हुआ है। वो देखो कितना पुराना घर है, मिट्टी वाला, सारे सारे मिट्टी वाले घर बने हुए हैं, बहुत पुराने पुराने। ये देखो बढ़िया लग रहा है, मतलब कुछ नई जगह ट्रैवल करते ना एक्साइटमेंट बनी रहती है कि भाई ये भी अलग दिख रहा है, वो भी अलग दिख रहा है, सब कुछ ही अलग दिख रहा है। गोवा वाले पेड़ आ गए तामूल के, गोवा में नारियल होते हैं, यहाँ पर तामूल होते हैं, पेड़ सेम ही है दिखने में, हम शक्ल हैं दोनों एक दूसरे के ना। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ जो कि मेरे को अभी पता लगी है, ये जो रोड है इसको भूटान रोड ही कहते हैं, यहाँ लिखा आ रहा है भूटान रोड तमुलपुर, ये जो रोड है ना इसको भूटान रोड ही बोला जाता है, सीधा भूटान से कनेक्ट होती है ना इसलिए शायद। ये पेड़ देख रहे हो क्या अलग सा ही लग रहा है ना, पूरे रोड पे फैला हुआ है, छतरी सी लग रही है अम्ब्रेला, कहीं नाम नजर ही नहीं आ रहा, और जहाँ नजर आ रहा है लैंग्वेज अलग लिखी हुई है, एस्टमीज लिखी हुई है। यहाँ लिखा है कुमारी काटा, तामुलपुर कुमारी काटा पहुंच गया हम।
लेफ्ट साइड में जमीन देख रहे हो, दूर तो एकदम खाली खाली रहता ही रहता है, कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है आई थिंक, है ना, वो जेसीबी वेसीबी लगा हुआ है। और यहाँ से भूटान बॉर्डर रह गया सिर्फ 10 किलोमीटर। किसका काम कर रहे हैं? खनन का। अच्छा, रेता यहाँ से उठा के सप्लाई होता है, ले जाते हैं। ओके, खनन का काम हो रहा है यहाँ पर, साहिबा ने बताया, इसने भी बताया था, बहुत बढ़िया बताया। भूटान एंटर होने से पहले बहुत बढ़िया रोड आया थी, सही में बहुत बढ़िया रोड है। रोड छोटी है लेकिन एकदम बढ़िया, कोई खड्डा नहीं, कोई ऑफ रोड नहीं, एकदम स्मूथ। और बताने वाला कौन है? कंकन भाई। कंकन भाई पीछे से इंटरकॉम में कह रहे भाई मैंने तो बताया था। हाँ, कंकन भाई ने बताया था, ठीक है, मान लिया हमने। बहुत बढ़िया भाई, क्या सही व्यू है सामने का। वो देखो सूर्य देवता एकदम ऑरेंज से दिख रहे हैं, और सामने बाइक्स ही बाइक्स है, सारी सारा अपना ग्रुप जा रहा है। सुपर हिट, सुपर से भी डुपर हिट। और आई थिंक भूटान ना सारा पहाड़ों पहाड़ों पे ही है ना, पूरा पहाड़ ही है वो। तो अब आपको अगले 4-5-6 दिन पहाड़ ही पहाड़ दिखने वाले, सुंदर सुंदर नज़ारे। आपको फील ये लगाएगा, आपको प्रॉपर फील आएगा कि हम कहीं इंटरनेशनल घूम रहे हैं। आई थिंक ये लास्ट गांव है छोटा सा, इसके बाद हम भूटान एंटर कर जाएंगे जो कि रहेगा 2.3 किलोमीटर। गाँव का नाम कोई नज़र नहीं आ रहा, कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ यहाँ पर, नहीं तो मैं बताता आपको। और जितनी गाड़ियों से आगे निकलना निकल लो, भूटान में अलाउड नहीं है, हम ओवरटेक नहीं कर सकते किसी भी गाड़ी को, भले आगे बाइक स्लो जा रही है उसके पीछे ही जाना, ऐसा मैंने सुना है। सुना तो बहुत कुछ है लेकिन वहाँ जाके बताऊँगा, हो सकता है मैं गलत ना बता दूँ, इसलिए वहाँ जाके एक्सपीरियंस करूँगा फिर बताऊँगा। हाँ जी, साइड पर लगाऊँ? ओ भाई, इनके पास तो बम चेक करने वाली मशीन भी है, अभी तो बॉर्डर भी नहीं आया। बॉर्डर कितना दूर है यहाँ से? बॉर्डर पे आ गए हैं, लेकिन कहाँ है भूटान? अच्छा, भूटान दिखेगा, अभी दिखेगा। साइड लगाओ सबके सब। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग दिल्ली से। दिल्ली से चले? बंद करो भाई, बाइक बंद, बाइक बंद। यहाँ भूटान किसलिए? भूटान घूमने। हाँ हाँ, सब कुछ है, गाइड हमारा गाइड खड़ा आगे, गाइड दावा। नहीं नहीं, ये नहीं, वहां पर बॉर्डर पे, दिल्ली से हो, बॉर्डर पे गाइड खड़ा है, उसके पास सारे डॉक्यूमेंट है, ईच एंड एवरी। ये हाँ, घूमते हैं, पेड़ पक्षियां दिखाते हैं ना। कहां से आए? दिल्ली से। घर कहां है? दिल्ली में। इंडियन हो? इंडियन है। आई डी दिखाता हूँ। आप हिमाचल के? पासपोर्ट भी तो आई डी होता है। पासपोर्ट से बड़ी आईडी, वो कह रहे ये तो पासपोर्ट है। मैंने तो सारा आईडी बैग में रखा हुआ था। हाँ जी, इसमें लैपटॉप हो गया, ये देखो बाल सुखाने के लिए ड्रायर हो गया, इसमें ब्रश हो गया, मेरा पजामा हो गया, मेरी जुराबे हो गई, ये सारा सामान है घर का। सोना लेकर जाएंगे यहाँ से। सोना लेके जाएंगे? मिल जाएगा क्या? ले जाएंगे कितना? एक चेन ले जाएंगे सोने की मम्मी के लिए। अरे ज्यादा मत लाना रहा, हम तो इधर फंस जाओगे। नहीं नहीं नहीं, जा मम्मी के लिए एक सोने की चेन खरीद लूँ ना खरीदूँ? नहीं, मैंने तो सुना था एक तोला लाउड है, मैंने दो सुना था, है ना, एक तोला लाउड है, मैंने ये सुना है। हाँ, ये देखो अब जो ये सोने की चेन पहनी, इसकी फोटो खींच लो, कहीं आप यही रोक लो कि ये वहां से ला रहा हूँ। कहीं ये भी बोल दो, ये भी वहां से लेकर। मैं कह तो रहा था दो तोले अलाउड, दो तोले अलाउड है भाई, दो तोले अलाउड है लेडीज को, लेडीज को ना, एक अलाउड है गेस्ट को। ओ सुन ले भाई, हम लोग चले हैं अभी तो गुवाहाटी से, गुवाहाटी में होल्ड था, गुवाहाटी में भी घर है ना अपना, भाई लोग रहते हैं वहाँ पर। बॉर्डर कितना दूर है अभी? आ गया 2 किलोमीटर। चले सर, जाए फिर, चलो चलो चलो, डॉक्यूमेंट दिखा दिए, वो कह रहे दफा हो जाओ आप। एक और चीज जो बैन है यहाँ पे, लिक्विड लाना। लिक्विड मतलब पानी? लिक्विड दारू? अरे दारू हम में से कोई नहीं पीता, हम पिलाते हैं अगर किसी को पीनी हो तो, फिर ठीक है। चलो भाई, उन्होंने डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करा और हमें एक चीज और बताइए, भूटान में सोना बहुत सस्ता है। अभी इंडिया में मेरे ख्याल से 62,000-64,000 चल रहा है 62 या 64, और भूटान में 25,000, आधे से भी कम रेट है। उन्होंने बोला एक या दो तोला लाउड है, दो तोला लड़की ला सकती है, लड़का एक तोला खरीद के ला सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। एक तोला मीन्स 10 ग्राम, दो तोला मीन्स 20 ग्राम।
तो साहिबा 20 ग्राम खरीद सकती है और भाई मैं 10 ग्राम खरीद के लाऊंगा सोना वहां से। मैंने उनको अपनी चेन दिखा दी, मतलब देखो मैंने पहन रखा, कहीं ये पकड़ लो मेरी चेन वापसी में, ये लेकर आ, तू वहीं से लेकर आया है। चलो ओहो, वो आ गया गेट नजर भूटान का, फाइनली वी आर एंटरिंग भूटान। ये देखो पहुंच गए हम लोग भूटान। दावा जी यहीं खड़े होंगे, हमारे जो गाइड हैं वो यहीं होने चाहिए। बीपी नंबर कहाँ की, मेरे को लग रहा है ये। हेलो, ये उदास क्यों है इतना? हेलो उदास सा लग रहा है बेचारा, कैसे हो, ठीक हो? ये बीपी नंबर कहाँ का है? बीपी भूटान, भूटान भूटान का तो बीटी होना चाहिए ना। हैं, फोटो खींचो खींचो खींचो। अंदर हॉर्न अलाउड नहीं है, हॉर्न नहीं मार सकते ना, मार सकते हैं। हाँ, कितना बुद्धू बनाते हैं हर बंदे हमें, कोई कहता हॉर्न अलाउड नहीं है। हाँ हाँ, अंदर आ सकते हो, वहाँ तक आ सकते हो, आ जाओ। लेट्स गो यहाँ लगाएंगे अपनी बाइक्स, एंट्री वगैरह कराएंगे, आज डॉक्यूमेंट्स नहीं बनेंगे हमारे। मुबारके भाई, मुबारके भाई, वेलकम टू भूटान, दो ताली सबकी नाक काली। पहुंच गए फाइनली, इतने दिन के निकले हुए हम लोग। कंकन भाई भी आ गए हैं, वो यहीं से यूटर्न मार लेंगे, थोड़ा बातें शाते करके, चिट चैट करके। ये रहा भूटान का गेट। हेलो दावा सर, कैसे हैं आप? हम थोड़ा हिंदी में बात भी करेंगे, इंग्लिश में भी करेंगे, ताकि हमारे व्यूअर्स को समझ आए। तभी तो बात करना है, हमारे आवर इंग्लिश इज लिटल लिटल, वी आर इक्वल। These are our documents. These are the documents, yes. Okay, sir. So I have already done everything. Okay. ये देखो एक चीज और बता दूं, इतने आलसी है ना सब के सब, जितने बंदे खड़े हैं, सारी बाइकें वहाँ खड़ी है, कोई नहीं यहाँ लेकर आया। ये बाइक यहाँ आई है, सब इसी पे फोटो क्लिक करा रहे हैं। अपनी बाइक कहाँ लेकर आओ, और क्या यहाँ बार बार थोड़ी आओगे, गेट के सामने इतनी बढ़िया फोटो आ रही है। वो देखो वहाँ हमारे सब्सक्राइबर भी है, ये इंडिया से है, इनको यहाँ आने नहीं दे रहे, तो मैं वहीं जाऊँगा फोटो क्लिक कराने के लिए। आ रहा हूँ छोटे को हेलो, बाइक लगा दी वहाँ पर, मैं फोटो क्लिक करा के आता हूँ। चलो सबको बाय बाय, यही रहते हो आप, इंडिया में रहते हो? मैं भूटान में रहता हूँ अब। चलो भाई छोटो को हेलो, छोटो को हेलो। भगवाओगे आज ही क्या? आने दो। साहब हिम्मत करके अपनी बाइक ले आई है फोटो क्लिक कराने के लिए। लगा लो, आगे लगाओ थोड़ा। कैसे हो, ठीक हो? बहुत बढ़िया, आप? बहुत बढ़िया। मैं भी बहुत। कब आया? मैं आया 3 दिन हो गया। 3 दिन हो गए। अच्छा, हाँ 3 दिन हो गए यहीं खड़े थे। मोबाइल डर रखा है। लेकर आ, लेकर आ, मोबाइल लेकर बॉर्डर पे खड़े, फिर भी भाई पूछ रहा कब आए। चलो भाई फोटो सेशन डन। और ये है हमारे जो गाइड साहब है दावा जी, उनकी बाइक बाइक बढ़िया लग रही है, और लाइटें और भी बढ़िया लग रही हैं, चमचमाती हुई, सही है। अपने को अब इस साइड जाना है, इधर जाना है, इधर आज हम यहीं से करने वाले हैं। ओके चले फिर, चलो लेट्स गो। आज जाम स्टे कर रहे हैं, उसका नाम है समरुख डोंगा। चलो बाय बाय कंगन भाई, बाय बाय। जा रहे हो आप यहाँ से? हाँ, मैंने इनको बोला एक दिन आप भी स्टे कर लो यहाँ, बॉर्डर पे स्टे कर सकते हो, लेकिन मना कर रहे, कह रहे फिर कभी स्टे। पता क्यों नहीं कर रहे? अभी नहीं करने दे रही स्टे, अभी रुकने दो इनको। नहीं अरे नहीं, घर जाओ सीधा, घर जाओ, तुम्हें मैं बताती हूँ। चलो ठीक है, बाय बाय। ठीक है चलो भाई, अभी अपने को गूगल मैप लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने अपना गूगल मैप यहीं से ले लिया है, जो कि है हमारे दावा सर। वो आगे आगे जाएंगे, हमें लोकेशन बताएंगे, यहाँ से 4-5 किलोमीटर जाम स्टे करने वाले हैं। चलो बाय बाय, आराम से जाना, पहुँच के मैसेज करना। चलो बाय 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 बाय। ये 12:50 वाला भाई आज हमारे साथ स्टे करेगा बॉर्डर पे ही, और कल बॉर्डर से वापसी चला जाएगा, क्योंकि अंदर के डॉक्यूमेंट इनके पास है नहीं, पहले ही सब कुछ करा के रखना होता है, वीज़ा एंड एवरीथिंग हमने करवा रखा है, इसलिए हम स्टे कर रहे हैं आज यहाँ स्टे करने का रीज़न, क्योंकि जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, संडे को यहाँ पर कुछ भी प्रोसेस नहीं होता, कल मंडे है, सुबह सुबह सारी प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद हम निकल जाएंगे अंदर घूमते। और यहाँ के घर देखो भाई, येलो घर। अरे पहुँच गए, अच्छा इस गली में जाना, मेरे को लगा पहुँच गए मैं, थोड़ी तो बाइक चलवा लो भूटान के अंदर एंटर होके। ये देखो भाई होटल, दिखने में ही अलग है, और होटल का नाम पता क्या है? क्वीन जंग होटल। इस होटल का नाम बताऊँ? टिंकर बेल एंटरप्राइज। अच्छा एंटरप्राइज है ये तो। वो ये देखो क्या सुंदर लग रहा है ना, बहुत ही बेहतरीन।
सही है, देखने में लग रहा है कि हम किसी और कंट्री में घूम रहे हैं। सारे मकानों पे गोल्डन गोल्डन काम करा हुआ है। ये भी होटल है, ट्रक माउंटेन, दुनिया भर के होटल हैं। कितना अच्छा लग रहा है मेरे को इंडियन बाइक्स को भूटान में चलाते हुए, और हम पहुंच गए हैं। वाह, पहुंच गए। हाँ हाँ, यहाँ लगाओ, यहाँ मेरे साथ, मैं बताता हूँ हमारा होटल कहाँ। इन्होंने सुबह दावा जी ने मेरे को फोटो भेजी थी, वहाँ से बाइक दिखेगी। ये देखो, ये हमारी बाइक, वो वाला हमारा होटल है, वो हमारी विंडो है, वहाँ से सीधा बाइक दिखेगी। सही है, यहाँ पर शॉप वगैरह भी है, कुछ शॉपिंग वॉपिंग करनी हो, खाना पीना हो, कपड़ों की दुकान भी है। हेलो, भूटान का डॉगी है ये। क्या नाम है इसका? पता नहीं। क्या नाम है? नेम? मिनी। ओ मिनी, हेलो मिनी। इसको मेरे से प्यार हो गया है, ये देखो कैसे चाट रहा है। इसको पता लग गया है हम यूट्यूबर हैं, इसको फुटेज खानी है, उछल के बाहर आ गया है। खाले खाले बेटा खाले, इसका नाम पता है क्या? मिनी। उसका नाम पता है क्या? जिंकी। जिंकी, हाँ। इसका नाम पता है क्या? इसका नाम है चिंकी। मामा देखो, पापा गलत कर रहे हैं। बेटे को तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ ना, कर सकते हैं। हाँ, बेटा गलत नहीं कर सकता। बेटे को तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ ना। बेटे का नाम आते मैंने आमिर घटा के मैंने चिंकी कर दिया। ठीक है, ये देखो, देख रहे हो, आते ही भाई, आते ही शॉपिंग। पापा कुछ दिला दो। पापा क्या लेना बेटे, तुमने क्या लेना है? क्यूट लग रहा है। लड़की वाली जैकेट पहनोगे? नहीं पापा। बाल खोल के पहन लेना। नहीं पापा। सही है शॉप। लो भाई, पहली बार भूटान में बार गेनिंग करते हुए, कितने का बोला उन्होंने? 450 का, 200 का, नो 300, लास्ट प्राइस 450, नो लेस हम मालिक नहीं है ना। हम मालिक नहीं है। देखो क्या सही लग रही है, अब नहीं दिखती इंडिया में ऐसी गाड़ियां, है ना? क्या सही लग रही थी, अभी ऐसी गाड़ियाँ और बहुत दिखने वाली है। चलो भाई, जब से आया ना यहीं घूमते रहा, सामान भी नहीं उतारा, सामान उतार के रूम में चलते हैं। कल से अच्छे से एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। आज हमने एक्सप्लोर करा, मिन्नी को करा, जिंकी को करा, दुकान में वो पर्स को करा, बाकी कल। ओल्ड मॉडल पराडो, हम तो गाड़ियाँ देख देख के खुश हो जा रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ आपको, यहाँ से आप रोड क्रॉस करोगे ना, जैसे हॉर्न कोई भी नहीं मार रहा है यहाँ पर, पता नहीं हॉर्न अलाउड है नहीं है, लेकिन मैंने हॉर्न एक भी नहीं सुना। कितनी गाड़ियाँ निकल रही है, ये एक हॉर्न की आवाज है, मैं बताता हूँ कहाँ से आई है। ये फटा हुआ क्यों है लेकिन ये वो है चेतक वाला। ये देखो आमिर रोड क्रॉस कर रहा है, गाड़ी वाले ने बिल्कुल ब्रेक मार ली, कोई हॉर्न नहीं कुछ नहीं, सब गाली दे रहा है। नहीं, यहाँ नहीं देते गाली वाली। वो देखो देखो, तुमने लेफ्ट मुड़ना, मोड़ी नहीं जब तक आमिर ने पूरी रोड नहीं क्रॉस कर ली। लो जी, भूटान आके भी सब्सक्राइबर्स मिल गए। घर लेके जा रहा है अपने, में मना कर रहा हूँ नहीं जाना। प्लीज देखो फिर क्या रहा है। चलो चली जाते हैं घर। टू मच हॉट हेयर बिकॉज बूस्ट इज अ सीक्रेट ऑफ आई एनर्जी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आमिर भाई बाहर ही बैठे, उनको ये नहीं पता यहाँ पर्सनल चाय और पर्सनल बिस्किट मिल रहे हैं। हु इज वेरी गुड इन टेकिंग केयर ऑफ। तेरे भाई ने ना, अब यहाँ पर जब से हूँ मैं, अब इंग्लिश ही बोलनी है। बेटे कहाँ थे तुम? कहाँ थे? पापा गप्पे मार गया था मैं। अरे गप्पे छोड़ो बेटे, यहाँ पर पर्सनल बिस्किट की प्लेट है, आ जाओ फटाफट। कहाँ रह जाते हो बेटे भाई, कितनी चिंता होती है मेरे को तुम्हारी। मेरा बेटा बैठेगा मेरे साथ यार। Welcome, clap, clap. Clapping, clapping. Welcome to Bhutan. We are very excited to ride with you. So we will have a brotherhood memories together.
So normally, most of the riders, they enter from Pinsling. So this is Pinsling, the one main gateway by coming through. And we enter from where? So you guys are coming through some to Dhoka. Yes. So now what we are going to do is, tomorrow we will be riding from some to Dhoka to Tashigang. Okay. And then day after Tashigang to, like this, Monga, coming down to Monga and again and going to Bomtang. We'll be in Bomtang. And then from Bomtang, we will visit the Phobjikha Valley. Okay. It's called the second Switzerland in the world. Oh my God. So Phobjikha, and then via Phobjikha, we'll go to Ponaka and we'll hold the night in Ponaka. Okay. So before we reach Ponaka, we will touch the Ongdi also. Okay. So you guys are touching almost all the places. नहीं जाते भाई वो अच्छा हाँ हमारा route map सब rider से अलग है है ना अलग है कि नहीं है बिल्कुल अलग है आपने मैसेज किया था मेरे को फ्रॉम हियर और फ्रॉम इंडिया फ्रॉम भूटान ओके आपको मैं एक चीज और बता दूं यहाँ पर जो डिनर है ना हम 8:30 तक ही ऑर्डर कर सकते हैं क्यों क्योंकि जो इनका आधे से ज्यादा स्टाफ है ना वो इंडिया में रहता है बॉर्डर पास में या इंडिया में क्यों रहता है क्योंकि यहाँ पर इनको रहना थोड़ा महंगा पड़ता है इंडिया में सस्ता पड़ता है इसलिए रात को 8:30 बजे यहाँ से निकल जाते हैं 9 बजे तक बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं उसके बाद दिन में फिर आ जाते हैं ये चीज मैंने पहली बार सुनी सुन के भी मैं हैरान था कि बंदे इंडिया में रहते हैं वहाँ से जॉब करने के लिए यहाँ पर आते हैं यहाँ सैलरी अच्छी मिलती होगी लेकिन खर्चा ज़्यादा होता है इसलिए इंडिया में चले जाते हैं वापसी बढ़िया अभी जा रहे हैं रूम में फ्रेश फ्रेश होंगे इस वीडियो एंड करेंगे और कल से मचाएंगे फिर से धूम जैसे पिछले 5 दिन से मचा रहे हैं लो भाई फाइनली सेकंड फ्लोर पे हमारा रूम ये मेरा बेड है यार ये क्या होता है यार स्विच तो यहाँ पर है तो यहाँ बीच में भी तो है चल ठीक है वहाँ लगा लूंगा क्योंकि अपने को चार्जिंग के लिए स्विच चाहिए होता है ऐसे बेड लगे हुए हैं एक रूम में 2 बंदे सो सकते हैं चूचू क्यों कर रहे हैं जूते में पानी भरा ये ओ भाई यहाँ पर देख भूटानी फिल्म चल रही है यही तो नीचे थी मैडम अभी नहीं नहीं ये नहीं है सेम सेम दिख रही है ये नहीं है लेकिन अच्छा बाकी ये हमारा रूम है 2 बेड है और 4 रूम हमने ले लिए हैं दावा जी ने भी रूम लिया है हाँ दावा जी ने जो रूम लिया उसकी भी पेमेंट हम करेंगे बाकी दावा जी की पेमेंट उनकी बाइक उनका पेट्रोल बहुत सारा कल फुल डिटेल में बताएंगे आज का व्लॉग को लंबा नहीं करते तो वॉशरूम में कोई है क्या नहीं खा लिया है ये देखो ये हमारा वॉशरूम वो वॉशरूम पूरा नीला है हाँ भाई साहब नीली टाइल वाला चलो अच्छा है और ये जो रूम अपने को पड़ता है 1200 रुपये पर बंदा जिसके अंदर डिनर ब्रेकफास्ट इंक्लूड है या नहीं है ना 1200 रुपये पर हेड डिनर ब्रेकफास्ट इंक्लूड है ऐसा ये कह रहा है लेकिन मेरे को लग रहा है शायद नहीं है पूछ लूंगा एक बार पूछ के फिर बता दूंगा नहीं है नहीं है पैसे नहीं है बाकी ठीक है इस वीडियो को यहीं पेंट करते हैं होप करते हैं आपको आज के व्लॉग में मजा आया होगा फाइनली भूटान एंटर हो गए हैं बहुत अच्छा लग रहा है आपको भी मुझे पता है जितना अच्छा मेरे को लग रहा है उतना अच्छा आपको लग रहा होगा क्योंकि मैं बहुत सारे कमेंट पढ़ता हूँ आप लोग लिखते हैं जब मैं ट्रैवल करता हूँ मोटो व्लॉग करता हूँ तो ऐसा आपको फील होता है कि आप मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो कुछ भी अच्छा लगाओ लाइक करे भी ना बिल्कुल भी जब ना लाइक करते हो ना बहुत अच्छा लगता है कम से कम इस वीडियो पे 1 लाख लाइक तो आने चाहिए कम से कम 2 लाख 3 लाख चले जाए लेकिन कम से कम 1 लाख आने चाहिए बाकी यहाँ तक अपने वीडियो देख ली लाइक करना सब्सक्राइब करना कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा मिलते हैं ऐसे किसी बड़े से वीडियो में टिल देन बाय बाय टेक केयर बाय 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 गुड नाइट गुड नाइट बेटे बेटे तुम मेरे को ये बताओ ये प्लेट का हाल तुमने क्या किया है तुम्हें मैंने ये ट्रेनिंग दी है देखना इसकी प्लेट देखना जो पहाड़ बना रखा है इसने ओए बेटे सुन ही नहीं रहा ये देखो यार ये वाली वीडियो हमने एंड तो कर दी थी लेकिन मैं एक चीज आपको बताना ही भूल गया आज 11 बजे एग्जैक्ट हमारा गाना आ रहा है तो 11 बजे के बाद अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा 11 बजे से पहले देख रहे हो तो 11 बजे के बाद दोबारा आना इस वीडियो पे डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे क्लिक करना हमारा गाना आ रहा है बहुत ही बेहतरीन मतलब आप सुन लोगे ना आपका दिल खुश हो जाएगा ट्रैवलिंग सॉन्ग है मैं सारी चीज़ें यहाँ नहीं बताऊंगा आप सुनना यार और एक एक कमेंट करके आना कि भाई अच्छा लगा कैसा लगा कुछ भी कमेंट करना दिल बनाना ऐसे करना एक कमेंट प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है इतनी रिक्वेस्ट मैं कभी भी नहीं करता लेकिन इस बार रिक्वेस्ट है एक कमेंट जरूर करके आना भाई थम्सअप करना कुछ भी करना 11 बजे एग्जैक्ट बाय बाय वाली जीत भले आ जाए मौत अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ अब शोहरत पाली मैंने दौलत पाली पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन